नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं जुओं के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अक्सर जुए होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताने जा रही हूँ जो अक्सर हम कर बैठते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एंड में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने जुओं से निजात पा सकते हैं अगर आपके सिर में जुए हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें और सही से आप प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या टिप्स दे रही हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस गलती की जो अक्सर हम कर बैठते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सभी अगर बारिश में कभी भीग जाते हैं या बाल गीले होते हैं तो हम अक्सर बालों को गीला ही बांध लेते हैं। तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि गीले बालों में जुओं के जो अंडे होते हैं वो जल्दी पनपते हैं, और जिनकी वजह से वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं और बाद में वो हमारा खून चूसते हैं, यानी कि स्किन में जो हमारे सिर की वो खून चूसते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। ये एक तरह के परजीवी ही होते हैं जो धीरे धीरे खून चूसकर हमारे सिर में बड़े होने लगते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेट भी करते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाती है इसकी तो बहुत ज्यादा सिर में खुजली होने लगती है, बाल टूटने लगते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे बालों में। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें गीले बालों को बांधने की। जब भी आपके बाल गीले हों या बारिश में अगर आप भीग गए हों तो बालों को अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर लीजिए और उसके बाद बालों को सुखाकर आप बांध सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर हमारे बाल गीले रहेंगे तो नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से ही ये अंडे पनपते हैं और बाद में धीरे धीरे ये बढ़कर जुओं का रूप ले लेते हैं। और जो आपको अगर नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो ये कुछ एक ऐसी गलती थी, एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से जुएं आपके सिर में बार बार होने लगती है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है। कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप अपने बालों की साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए, और इस मौसम में बालों को 3 बार वीक में जरूर धोना चाहिए, 3 से 4 बार अच्छे से शैम्पू करना चाहिए। अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा जुए हैं तो बालों को किस तरीके से धोना चाहिए, बालों को आपने सीधे शैम्पू नहीं करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एक नुस्खा बता रही हूँ, वो करना है आपने, उसके बाद आपने शैम्पू करना है। आपने लेना है नारियल तेल 2 से 3 चम्मच, एक क्लीन बाउल में पैराशूट नारियल ऑयल ले लीजिए या फिर आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपने नारियल का तेल लेना है और साथ में एक कपूर लेनी है, जैसा कि मैं आपको पिक में दिखा देती हूँ, जो पूजा में यूज करते हैं वही कपूर लेनी है आपने। और इस कपूर को अच्छे से मेल्ट कर यानी कि पिघलाकर आपने इस ऑयल में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने अपने स्कैल्प में यानी कि रूट्स में अच्छे से जड़ों में लगा लीजिए मसाज करते हुए, और आपने इसे 1 घंटा अपने बालों में लगाए रखना है। उसके बाद आप अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। टिप नंबर 2 है यहाँ पर मेरी, विनेगर यानी कि सिरका। और सिरका आई एम श्योर आप सभी जानते भी होंगे, और अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, 40 to 50 रुपीज के प्राइस में आपको आराम से मिल जाएगा। और जो विनेगर बिल्कुल प्लेन हो वो आपने लेना है, कोई भी फूड कलर वगैरह उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन लेना है। ट्रांसपेरेंट विनेगर होता है यानी कि सिरका। और आपने इसे यूज कैसे करना है, आपने सबसे पहले शैम्पू कर लेना है, उसके बाद आपने विनेगर को इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में अच्छे से, उसके बाद आप 1 मग पानी में 2 से 3 चम्मच सिरके को मिला लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने स्कैल्प में यानी कि अपनी जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपने इस पानी से अपने बालों को एंड में धोना है। शैम्पू इसके बाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विनेगर की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और जुओं को जल्दी मारने में ये हेल्प करती है, जल्दी खत्म हो जाती है इससे जुएं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिरके का प्रयोग बता रही हूँ। बाद में जब आपके बाल सूख जाए तो आप इसकी हेल्प से अपनी जुओं को ढूंढ सकते हैं या बारीक से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आपकी जुएं जो है निकल जाएंगी। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे शैम्पूज या फिर ऑयल बता देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगी जिनकी हेल्प से आप अपने जुओं से निजात पा सकते हैं। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कर लीजिएगा, और जो भी मैंने टिप्स दिए हैं आपको इन्हें फॉलो करके आप अपने जुओं से निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ बस इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि गीले बालों को बांधने की गलती बिल्कुल ना करें। सीधा सा फंडा ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा इस मौसम में अक्सर चावल में या लाल मिर्च पाउडर में भी कीड़े हो जाते हैं नमी ज्यादा होने से। तो बस इसी तरह से यही फंडा है कि अगर हमारे बालों में नमी ज्यादा हो जाएगी या पसीना ज्यादा आएगा, पसीने की वजह से बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और ज्यादा होने की वजह से नमी में मतलब ये अंडे जो होते हैं बहुत जल्दी पनपते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि गीले बालों को बांधने की गलती बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आप अपने बालों में सिकरी या फिर जुओं की
समस्या से निजात पा सकते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आनी है। तो प्लीज गाइस हमारे काम को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा लाइक कर और शेयर करके, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूं और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।